देखिए, पिछले लेक्चर में आपको हमने लॉग और एंटी लॉग सिखाया था, तो उसमें एंटी लॉग का एक केस हमारा रह गया था। आज उसको हम बताएंगे आपको, तो ढंग से सीखिए। एंटी लॉग में एक तो मैंने आपको ये बताया था, ध्यान होगा, कि भाई अगर आपको पेपर में कभी इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए कि लॉग एक्स इक्वल टू कोई भी होल नंबर ले लिया मान लो, और आपसे पूछा कैलकुलेट एक्स, तो आप लॉग को उधर ले जाएंगे, उसे बोलते हैं एंटी लॉग, लॉग इनवर्स। और किसी भी होल नंबर का एंटी लॉग देखना हो तो 10 to the power लगा दो, आंसर आ गया, है ना। जैसे किसी ने कहा कि लॉग वाई इक्वल टू, मेरे पास आ गया है मान लीजिए 0, वाई निकाली, तो लॉग को उधर ले जाने को क्या कहते हैं, एंटी लॉग, लॉग इनवर्स। और किसी का भी एंटी लॉग देखना हो तो 10 की पावर के ऊपर लगा, 1 आ गया आंसर। दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि लॉग टेबल की कब जरूरत पड़ती है, जैसे लॉग एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद का देखा जाता है ना। तो यहां से एक्स निकालना है तो लॉग उधर ले जाओ, उसे क्या कहते हैं, लॉग इनवर्स को, एंटी लॉग। तो जो हम टेबल देखेंगे, टेबल इस तरीके से होती है, पॉइंट से स्टार्ट होगी, 0.01, 0.02, ऐसे चलते चलते 0.21, 0.22, ये एंटी लॉग की टेबल होती है। इसमें यहां क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे। तो मैंने ये कहा था कि पॉइंट के बाद का एंटी लॉग देखा जाता है, जो पॉइंट से पहले हो उसे 10 to the power कर दो, जैसे 21 है 10 to the power, और जो पॉइंट के बाद है उसके 2 डिजिट पकड़ लो, 0.21, इसके सामने 4 पे देखो क्या लिखा है, मान लो ये लिखा है, वैसे मान लिया, इमेजिन कर लिया, तो इसको लिख लो और हमेशा एक के बाद निशान लगा दो। यही सिखाया भाई, पॉइंट से पहले जो हो वो तो 10 to the power, और फिर पॉइंट के बाद के 2 डिजिट के सामने तीसरा देख लो, 0.21 के सामने 4 पे एक के बाद पॉइंट लगा। ये दोनों कल मैंने आपको सिखा दिए थे, अब मैं आपको लास्ट केस समझा रहा हूं, वो देख लीजिए। एंटी लॉग का लास्ट केस ये था, केस नंबर 3, कि मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए लॉग एक्स इक्वल टू -21 पॉइंट इतना लिखा है, माइनस में आ जाए और आपको एक्स निकालना है, तो लॉग उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो माइनस का एंटी लॉग कैसे देखा जाता है ये समझाना है, तो आप ध्यान रखिए पहले इसको पॉजिटिव बनाना है। तो बताइए -21 के बाद क्या आता है, जस्ट 22, तो आप इसमें 22 तो ऐड कर दो और 22 माइनस कर दो, 21 के बाद कौन आता है, 22, ऐड कर दो और माइनस कर दो, तो जैसे ही इसमें से ये माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0.79। और जो -22 लिखा है इसे आगे 22 बार लिख देती, फिर समझ लो माइनस का एंटी लॉग देखना है तो पहले इसको पॉजिटिव करना है। तो ये देखो -21 के बाद जस्ट कौन आता है, 21 के बाद 22, तो ऐड कर दो और माइनस कर दो, तो जो इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.79, और जो -22 लिखा है उसे आगे 22 बार लिख देते हैं। अब इसका एंटी लॉग देखेंगे, तो आपको बताया गया भाई पॉइंट के बाद का एंटी लॉग देखा जाता है, तो पॉइंट के पहले जो है वो 10 to the ऊपर पावर, अगर बार है तो पावर माइनस में आ जाती है।
अगर बार नहीं होता तो प्लस में आ जाती है। अभी करा था हमने ये बार, तो अब क्या होगा 0.79 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो अपने पास से जीरो लिख, तो यहां बढ़ते बढ़ते 0.79 आएगा, उस पे जीरो पे देख लो, मान लो ये लिखा है, मान लिया तो यहां लिख लो, वो तो टेबल देख ही लेंगे, और हमेशा एक के बाद निशान लगा बस आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? फिर एक देखिएगा, मान लो यहां पर log x की वैल्यू -30.40 लिखी, मान लो, और किसी ने कहा कि आप x निकालिए, तो x कैसे निकालेंगे, log को उधर ले जाओ, मतलब एंटी लो। अब इसको पहले पॉजिटिव बनाओ, बताओ 30 के बाद कौन आता है, 31, इसमें ऐड कर दो और 31 ही माइनस कर दो। अब आप बताओ 31 में से ये जाएगा तो 0.60, और जो -31 लिखा है उसे आगे 31 बार में लिख देते हैं, याद। अब क्या बताया था आपको कि जो पॉइंट से पहले हो उसे 10^10 लिख दो, अगर बार है तो पावर माइनस में आ जाएगी, और पॉइंट के बाद यहां एक जीरो लिख लो, दो डिजिट के सामने तीसरे को देखो, तो मान लो यहां 0.60 है, तो उसके सामने जीरो पे देखा तो मान लीजिए ये लिखा था टेबल में, हमेशा एक के बाद निशान लगा आंसर। तो बहुत आसान है ये, मुझे लगता है आपको ढंग से एंटी लॉग समझ में आ गया होगा, इसका बहुत ज्यादा यूज है पेपर के अंदर, बता दें।